उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने में मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग बड़ी ही तेजी से हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौरा भी चल रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 146 दिन बाद किसी जनसभा को संबोधित किया है। इससे पहले आखिरी बार उन्होंने सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और ट्विटर के जरिए मायावती अपनी बातों को रखती थी। आगरा में रैली को संबोधित करते समय मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि भाजपा के राज में दलितों का तो सिर्फ उत्पीड़न हो रहा है, दलितों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी गुंडा राज है, बदमाशों ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दिया था और इन लोगों ने एक विशेष समुदाय के लिए काम किया। मायावती ने कहा कि तीनों दलों भाजपा, सपा और कांग्रेस को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सभी लोगों को बहुत ही मुश्किल समय दिखाया।